मोक्ष मार्गशनी तारम भेद तारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम बिश्वतत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे मंगलम भगवानेविरो मंगलम बोतामोगणि मंगलम कुंडेकुंडार्यो जय धर्मो मंगलम सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्यशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया सूत्रात्मक शैली है संस्कृत इसकी भाषा है दस अध्यायों में विभाजित है सात तत्वों का वर्णन है हम सभी लोग द्वितीय अध्याय में जीव के भाव जीव का लक्षण और जीव के भेद प्रभेदों के बारे में समझ रहे थे हम सभी ने देखा था कि जीव जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्रिय पांच प्रकार के जीव होते हैं उसमें से भी सबके दो दो भेद पड़े थे दो विधानी द्रव्य से इंद्री और भाव से इंद्री इस प्रकार से स्पर्शन रचना घृण चक्षु सोत्र ये पांचों ही द्रव्य से भी और भाव से भी द्रव्य और भाव के लिए आचार्य भगवान ने स्वयं दो सूत्रों का यहाँ पर अवतार किया है अवतार किया है हम उन दोनों सूत्रों को पहले बोर्ड के माध्यम से पहले उच्चारण के माध्यम से देखते हैं हम सब लोग एक बार हम उच्चारण करेंगे पुनः सभी आप लोग इसका उच्चारण करेंगे करने, द्रव्येन्द्रियम द्रव्येन्द्रियम निर्वृत्तुपकरणे निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम द्रव्येन्द्रियम नंबर का सूत्र है लब्धुपयोगौ लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम 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 इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण हुआ अब बोर्ड के माध्यम से इसका संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ समझते हैं सूत्र दूसरे अध्याय का सत्रवा नंबर है ये निर्वृत्तुप निरवृतुप करने द्रव्येंद्रियम ठीक है ना ये सूत्र हुआ इसके संधि करते हैं या का हो जाएगा तो बन जाएगा निर्वृत्ति फिर निकलेगा उपकरणे ठीक है ना निर्वृत्ति और उपकरणे शब्द बड़े कठिन लग रहे होंगे पर घबराने की जरूरत नहीं है शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है और बहुत ही सरल है द्रव इंद्रियम, द्रव्य प्लस इंद्रियम ठीक है ना इसे द्रव्य इंद्री इंद्री कहते है। इंद्री कहते हैं। हैं। और उपकरण को द्रव्य इसी प्रकार अपन अठारह नंबर सूत्र देखते हैं क्योंकि दोनों सूत्र एक द्रव्य इंद्री का है और एक भाव इंद्री का है लब धुप योग ठीक है ना यहाँ पे जैसे दुई वचन यहाँ पर है ये लिंग में है ये पुल्लिंग में है तो उपकरणम उपकरणे उप तो उपकरणानी तो यहाँ पर दुई वचन में ठीक है ना और यहाँ भी द्विवचन वचन में है बालक बालक दो है ना यहाँ पर तो यहाँ भी दो है तो इसलिए दो वचन लिया है लब्धुप लब तो यहाँ पर भाविनन्द्रियम ठीक है तो क्या निकलेगा संदेश से या का ही हो जाएगा तो लब्धि प्लस उपयोग लब्धि प्लस उपयोग भाव इंद्रियम भाव प्लस इंद्रियम इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सूत्र का उच्चारण देखा और इनका संधि विच्छेद देखा और भाव दो प्रकार की इंद्रिया होती हैं अब द्रव इंद्री और भाव इंद्री किसे कहते हैं तो वहां पर लक्षण भी दे दिया जो नृत्य और उपकरण जिसमें हो वो द्रव इंद्री होती है लब्धि और उपयोग जिसमें होता है वो भाव इंद्री होती है अपन इन दोनों का अर्थ है विस्तार से समझते हैं इंद्रिया दो प्रकार की आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्लाइड में दो प्रकार की इंद्रिया होती हैं द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री एक बात चलेगी पुदगल की तरफ से और एक बात चलेगी आत्मा की तरफ से जैसे अपन कह सकते हैं एक जड़ इंद्री और एक ज्ञान इंद्री ठीक है ना जो भाव इंद्रिय हैं वो ज्ञान इंद्रियाँ हैं ज्ञान का जो क्षयोपम है ज्ञान की जो जानने की जो शक्ति है और उसका उपयोग है वो भाव इंद्र की तरफ से बात चलेगी और जहाँ पर बात चलेगी द्रव्य की उसे हम पुद्गल की तरफ से लेंगे कि पुद्गल की बनावट पुद्गल की संरचना उसे हम द्रव्य द्रव्यन्द्री रूप में लेंगे अब यहाँ पे देखिए लिखा है द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री किसे कह रहे हैं शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव इंद्री किसे कह रहे हैं आठ कर्म होते हैं आठ कर्म में एक नाम कर्म होता है नाम कर्म से सारी शरीर की संरचना होती है जब इसे अपन नाम कर्म को खुलासा करेंगे जैसे अपन को चक्षु का देखना है कर्ण का देखना है तो फिर अपन वहां पर लेंगे चक्षु नाम कर्म का ठीक है ना पर अभी अपन पूरा एक परिभाषा द्रव्य इंद्रिय की समझ लेते हैं क्योंकि द्रव इंद्रिय जो है वो पूरे संपूर्ण शरीर में है स्पर्शन इंद्री जो है पूरे शरीर में होती है चक्षु का अपना एक नियत स्थान होता है कर्ण इंद्री का भी अपना नियत स्थान होता है घ्राण इंद्री का भी नियत स्थान होता है और जो रचना इंद्री है उसका भी नियत स्थान होता है ठीक है ना लेकिन जो स्पर्शन इंद्री है वो अनियत स्थान है अर्थात सर्वांग शरीर में है सर्वांग शरीर में स्पर्शन इंद्री पाई जाती है इसलिए अपन इसको नामकर्म ले रहे हैं कि नामकर्म जो अपन ने बोल दिया तो इसमें पांचों द्रव्य इंद्री आ जाती हैं तो क्या परिभाषा बनाएंगे कि नाम कर्म के उदय से शरीर में बनने वाली जो एक विशेष रचना है संरचना है आकृति है उसे अपन क्या कहेंगे द्रव्य इंद्री कहेंगे ठीक है ना अब नाम कर्म के उदय से इसका मतलब क्या है पौदगलिक वर्ग वर्गनाओं का प्रचय पुदगल प्रचय पुदगलों का समूह जो पुदगल परमाणु हैं उन परमाणुओं का जो समूह स्कंद है और उस स्कंद से बनने वाले जो शरीर में संरचना है रचना है अपन उसे क्या कहेंगे द्रव्य इंद्री ठीक है ना फिर से एक बार देख लें क्या लिखा है शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर में विशेष जो चिन्ह होते हैं चिन्ह विशेष को अपन द्रव्य इंद्री कहते हैं जैसे आंख ये, ये चिन्ह है कर्ण भी चिन्ह है तो ये चन्न विशेष को अपन क्या कहेंगे द्रव्य कहते हैं अब आता है भाव इंद्री भाव इंद्री किसे कहते हैं अब भाव इंद्री को किसकी तरफ से लेना है पुदगल की तरफ से जड़ की तरफ से या आत्मा की तरफ से तो इस बात को जरूर ध्यान रखना भाव को कैसे लेना है हमको आत्मा की तरफ से लेना है जैसे सात तत्वों का जो अपन वर्णन पढ़ते हैं तो सात तत्व जैसे बताया था आश्रव बंध संबर निजराव मोक्ष है इसमें द्रव्य मोक्ष है भाव मोक्ष है द्रव्य आश्रव भाव आश्रव तो हम जब द्रव्य की बात करते हैं वो अपन पुद्गल की तरफ से कर्मों का आना कर्मों का बंद हो जाना कर्मों का रुक जाना कर्मों की निर्जरा हो जाना कर्मों का मोक्ष सम, सम, समस्त कर्म क्षय हो जाना वो द्रव्य का हो गया और आत्मा के भावों का आश्र रूप नहीं होना इस प्रकार से जैसे वहां लिया था वैसे यहाँ पे लेना है हमारे जैन धर्म में ये दो बातों को बिल्कुल लेके चलना द्रव्य और भाव हर चीज में ये बात चलती है ठीक है ना अब भाव इंद्री में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परिभाषा क्या लिखी है मति वर्ण कर्म के क्षयोपम से ज्ञानावर्णी एक कर्म है और उस ज्ञानावर्णी के अपन ने भेद पड़े थे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान में जो आवरण डाले वो ज्ञानावर्ण कर्म हुआ ठीक है ना मति ज्ञान में मतलब जो इंद्रियों मन की सहायता से होने वाला जो आत्मा में जो ज्ञान का उपयोग है शक्ति है उसमें क्या बोलते क्या करे वो आवरण करे उसे मति ज्ञान आवरण तो अपन को यहाँ पे मति ज्ञान आवरण लेना है ध्यान रखना सुत ज्ञान आवरण नहीं लेना है अवधि ज्ञान आवरण नहीं मनहा परे ज्ञान आवरण नहीं और केवल ज्ञान आवरण नहीं क्यों क्योंकि पांच इंद्रियों बन की सहायता से ज्ञान हो रहा है और बात चल रही है इंद्रिय की बात किसकी चल रही है इंद्र की इसलिए यहाँ पर कौन सा कर्म का क्षयोपम लेंगे मति ज्ञाना वर्ण नाम का एक कर्म है जो यदि उसका उदय तीव्र चले तो इंद्रियों होते हुए भी हमें उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो यहाँ पर मति ज्ञाना ज्ञानावरण कर्म का क्या हुआ क्षयोपम हुआ क्षयोपम मैंने आपको बताया था क्षय और उपशम मति ज्ञानावरण कर्म का उदय का अभाव इसका नाम है क्षय और इसी का आगामी काल में उदय ना आए इसको बोलते हैं उपशम इस प्रकार हो गया क्षयोपम उससे जो ज्ञान की शक्ति प्रकट होती है उसे मति ज्ञान का क्षयोपम कहते हैं ठीक है ना तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न होने वाली जो विशुद्धि है विशुद्धि का मतलब यहां पर राग देश के अभाव की बात नहीं कर रहे हैं यहां बोल रहे हैं विशुद्धि मतलब जानने की जो शक्ति है और उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो उपयोगात्मक ज्ञान है उपयोगात्मक मतलब व्यापार रूप ज्ञान है जो क्रिया रूप ज्ञान है वो उसको बोलते हैं भाव इंद्री मतलब दो बातें कही मत ज्ञानमान कर्म के एक जो विशुद्धि प्रकट हुई एक शक्ति प्रकट हुई उसे अपन लब्धि कहते हैं वो शक्ति को और उस शक्ति के निमित्स जो ज्ञान व्यापार कर रहा है जानने का कार्य कर रहा है उसे अपन उपयोग कहते हैं तो इस प्रकार से लब्धि और उपयोग जो प्रकट हुआ वह अपनी भाव इंद्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाव इंद्री इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री को अपन ने समझा श्री गुरुदेव जिसकी द्रव्य हो उसकी भाव इंद्री भी हो यह जरूरी है क्या जिसकी द्रव्य इंद्रियाँ हो और उसकी भाव इंद्रियाँ होना जरूरी है या नहीं इस विषय में अपन आगम की दृष्टि से देखते हैं जैसे द्रव्य की संरचना बनी हुई है संरचना तो बनी हुई है लेकिन उसका वहाँ पर उसका क्षयोपम नहीं है उस इंद्रिय संबंधित क्षयोपम नहीं है तो वहाँ पर उसका भाव इंद्रिय नहीं होगा जैसे कि अपन देखिए केवलियों में केवलियों की भाव इंद्रिय नहीं होती हैं द्रव इंद्रियों की संरचना तो है पूरी संपूर्ण रूप से द्रव इंद्रिया बनी हुई हैं लेकिन वह मति आदि क्रम का ने छय कर दिया छय करने के कारण क्या बोलते हैं अब उनका वहाँ पर क्षयोषम अवस्था नहीं पाई जाती है तो इसलिए उनके भाव इंद्री नहीं मानी जाती है द्रव इंद्री होती हुई भी भाव इंद्री उनके केवलियों की नहीं होती है ऐसे सामान्य व्यक्ति है उसकी आंख की संरचना बनी हुई है लेकिन चक्षु दर्शनावर्ण कर्म का तीव्र उदय चल रहा है और तीव्र उदय होने के कारण उसे आँख से किसी किसी प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी वहाँ पर भाव इंद्र जो चक्षु संबंधी है वह उसका वहाँ पर अभाव माना जाता है तो इस प्रकार से ये केवलियों में बहुत अच्छा घटित हो जाता है कि केवली के सर्वांग इंद्रियों की संरचना होते हुए भी उनके वहाँ पर भाव इंद्रिय नहीं पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उस कर्म का क्षय हो जाने से डायरेक्ट आत्मा से ही उनके दर्शन और ज्ञान होता है समस्त पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास ज्ञान के साथ होता है वो उनके युगपद आत्मा से डायरेक्ट होता है इसलिए वहाँ पर कोई भाव इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती है अब अपन ने जो सूत्र पढ़ा था इंद्रिय का निर्वत्तुप करने द्रव इंद्रियम तो द्रव इंद्रिय के दो भेद हैं यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे होंगे दो प्रकार की द्रव इंद्री होती है एक निवृत्ति और दूसरा उपकरण निवृत्ति किसे कहते हैं निवृत्ति मतलब होती है रचना संरचना ठीक है ना और आकृति उपकरण किसे कहते हैं जो करण का उपकार करे जो करण मतलब जो इंद्रिया हैं और इंद्रिय का भी उपकार करे सहकारी जो हो निवृत्ति का जो सहकारी हो जो निवृत्ति की जो संरचना हुई है उसका जो सहकारी हो सहयोगी हो उसे उपकरण कहते हैं यहाँ देखिए क्या परिभाषा लिखी हुई यहाँ पर निवृत्ति के नीचे लिखा हुआ है जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जाना जाता है जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जाना जाता है उसे निवृत्ति कहते हैं ये निवृत्ति रचना भी जो है ये द्रव्य है ध्यान रखना जैसे चक्षु बनी हुई है तो चक्षु के पास जो आत्मा के प्रदेश हैं उस आत्मा के प्रदेश के पास जो वहाँ पर पौधलिक संरचना है उस पौधलिक संरचना की जो निवृत्ति हुई है चक्षु आकार रूप में उसे अपन कहेंगे निवृत्ति ठीक है ना और निवृत्ति का जो सहयोग करे निवृत्ति की जो सहायता करे उसे अपन कहते हैं उपकरण इस प्रकार से यहाँ निवृत्ति और उपकरण भेद हुए अब देखिए निवृत्ति के भी दो प्रकार के भेद होते हैं दो प्रकार की निवृत्ति बनती है दो प्रकार की रचना होती है निवृत्ति मतलब जिसके द्वारा रचना की जाती है उसे निवृत्ति कहते हैं और निवृत्ति भी कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है एक आभ्यंतर और एक बाह्य एक आभ्यंतर निवृत्ति एक अंदर की निवृत्ति और एक बाहर की निवृत्ति आभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं आत प्रदेशों का जो आकार है आत प्रदेशों का वहां पर जो आकार है वो कौन सी निवृत्ति कहलाएगी वो आभ्यंतर निवृत्ति कहलाएगी वहां पाए जाने वाले जो पौधोलिक परमाणु हैं वो उस रूप होंगे ठीक है ना तो आत्मा के प्रदेशों का जैसे चक्षु बनी हुई है तो चक्षु रूप आत्मा के जो प्रदेश बने हुए हैं आत्मा के प्रदेश भी वहां पर कैसे हैं चक्षु रूप है और वहां पर जो पौधलिक परमाणु की संरचना है वो क्या कहलाएगी आभ्यंतर रचना कहलाएगी अंतरिंग आंतरिक रचना कहलाएगी ठीक है बाह्य रचना क्या है पौदलिक इंद्रिका आकार बनना जैसे पूरी चक्षु बनी हुई है ये पौदलिक इंद्रिका बनना उसे क्या कहेंगे अपन बाह्य रचना कहेंगे। इस प्रकार से निवृत्ति भी दो प्रकार से हो गई एक आभ्यंतर और एक बाह्य आत्मा के आकार का चक्षु रूप का आकार बनना, वो रचना हुई निवृत्ति और बाह्य रूप से पौधलिक परमाणुओं से जो चक्षु की आकार बनना मैं चक्षु इसलिए बता रहा हूँ आपको स्पर्शन रचना घृण शोध सभी पांचों इंद्रिय में ये चीज लगानी है लेकिन आंख से हमको जल्दी बात स्पष्ट हो जाती है क्योंकि हम आँख से देखने का भी काम करते हैं ना तो बात पूरी स्पष्ट हो जाती है तो आँख जहाँ बनी हुई है उसके उतने ही स्थान पर अंतरम में आत्मा के प्रदेशों का जो उस रूप आकार बना हुआ है चक्षुरूप जो आकार बना हुआ है वह कहलाएगा आभ्यंतर निवृत्ति ठीक है ना और जो आत्मा का प्रदेश के जो आकार बने हैं वहीं पर जो आत्म चक्षु की जो संरचना बनी हुई है से उसे बोलेंगे बाह निवृत्ति इस प्रकार से निवृत्ति दो प्रकार की शास्त्रों में कही है आभ्यंतर और बाह अब उपकरण में लगाते हैं उपकरण किसे बोला है जो दोनों का उपकार करे निवृत्ति का उपकार करे सहयोग करे सहायता करे उसे कहते हैं उपकरण ठीक है ना तो उपकरण भी दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण कितने प्रकार के उपकरण हैं आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण आभ्यंतर उपकरण में कैसा है जो नेत्र में काला सफेद आदि जो मंडल बना हुआ है अब आंख में देखिए एक सफेद मंडल है उसके ऊपर एक काला मंडल है ठीक है ना ये जो दो मंडल बने हुए हैं इसे क्या कहेंगे अपन आभ्यंतर उपकरण कहेंगे अंदर के उपकरण हैं, बाहर का उपकरण क्या है ये पलक है ये भाव है ये सब जो है ये बाह्य उपकरण है जो चक्षु की रक्षा करते हैं अपने अंतरंग आभ्यंतर जो उपकरण है उनकी रक्षा करने वाले ये बाह्य उपकरण होते हैं पलक पलक ये बाल ये सारे के सारे कैसे हैं आभ्यंतर की रक्षा करते हैं तो बाह्य की संरचना फिर उसके अंदर की संरचना इस प्रकार से और ये दोनों किसका सहयोग करते हैं निवृत्ति की निवृत्ति का सहयोग करते हैं निवृत्ति जो अपने आत्मा के प्रदेश का आकार बनाया था अभ्यंतर और पौदलिक संरचना जो बनी थी वो बाह है तो वो दोनों निवृत्ति का उपकार कौन करता है उपकरण और जो उपकरण में दो भेद लगा दिया अपन ने आंतरिक उपकरण मतलब अंदर उपकरण और बाह्य उपकरण जो अभ्यंतर उपकरण है जो अपना स्पष्ट दिखाई दे रहा है नेत्र में जो काला और सफेद जो मंडल बना हुआ है वो आभ्यंतर उपकरण है और जो बाह्य जो है पलक आदि वो बाह्य उपकरण है इस प्रकार से निवृत्ति का रक्षा करने वाला उपकार करने वाला उपकरण कहलाता है यहाँ पर अपन ने दो प्रकार की द्रव इंद्री पढ़ी और दो प्रकार की जो सूत्र में आई थी निवृत्ति और उपकरण उसके दोनों को अर्थ को भी अपन ने यहाँ पर समझा नमोस्तो चार्य श्री कर्ण इंद्री में निवृत्ति और उपकरण को कैसे लगाएंगे कर्ण इंद्री में जैसे अपन ने चक्षु इंद्री में लगाया है ऐसे कर्ण इंद्री में और कर्ण इंद्री में नहीं से सभी इंद्रियों में इसी प्रकार से अपन को लगाना है पांचों इंद्रियों में निवृत्ति और उपकरण को गठित करना है कर्ण इंद्री में कैसे लगेगा तो अपन पहले निवृत्ति दो प्रकार की होती है आभ्यंतर और बाह्य जो कर्ण इंद्री है पहले तो अपन समझ लो जैसे ये कान है जिसको अपन कान बोलते हैं ना ये तो बाह्य उपकरण है कैसा है ये उपकरण अपन बाहर से अंदर चलते हैं तो ये बाह्य उपकरण है जो अंतरंग जो उपकरण है जो ये जौ की नाली जो होती है जैसे जौ होता है उसमें जो नाली होती है तो ऐसे ही कान जो बना हुआ है उसके अंदर एक नाली गई हुई है ठीक है ना वो क्या हो गया आभ्यंतर उपकरण हो गया कौन सा उपकरण हो गया वो आभ्यंतर उपकरण हो गया जो कान है ये जो क्या है बाह्य उपकरण है जो उसकी जो की नाली गई हुई है वो कौन सा हो गया वो आभ्यंतर उपकरण हो गया और वहाँ पर जो पौधलिक संरचना है उसके आगे जो स्वर स्वर यंत्र बने हुए हैं क्या बने हुए हैं स्वर यंत्र बने हुए हैं जो सुनने वाले यंत्र बने हुए हैं वो यंत्र की जो संरचना है वो आभ्यंतर वो हो जाएगी बाह्य निवृत्ति वो कौन सी निवृत्ति हो जाएगी बाह्य निवृत्ति और वहाँ पे जो आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बना हुआ है वो आभ्यंतर निवृत्ति हो जाएगी समझ लीजिए जो कान जहाँ पर सुनने का जहाँ पर यंत्र है उस यंत्र में वहाँ पर जो आत्मा की संरचना आत्मा के प्रदेशों की जो संरचना बनी हुई है उसे अपन आभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे ठीक है ना और जो वो यंत्र बना हुआ है वो यंत्र जो है वो बाह्य निवृत्ति हुई वो क्या हो गई संरचन बाह्य निवृत्ति हुई और जो वो नाली है ना, नाली है जो जों की तरह जो नाली आ रही है कान तो यहाँ उपकरण है इसके बाद एक नाली जा रही है ठीक है ना वो नाली जो ही वो क्या हो गया आभ्यंतर उपकरण क्योंकि उपकरण के दो भेद कर रहे हैं अपन ना आभ्यंतर उपकरण और उसके बाद जो ये कान की जो संरचना बनी हुई जो हमको दिखाई दे रही है ये क्या है बाह्य उपकरण क्या है ये बाह्य उपकरण इस प्रकार से निवृत्ति और उपकरण अपन पांचों इंद्री में लगा सकते हैं तो इस प्रकार से श्रवण यंत्र अपने कान में लगा हुआ जो श्रवण जो यंत्र है वो अपनी बाह्य निवृत्ति कहलाती है क्योंकि उसकी जो संरचना है वो पुदगलों के द्वारा बनती है और वहां पे जो आत्मा के प्रदेश पाए जाते हैं वह जो है निवृत्ति कहलाती है इसी प्रकार से हम पांचों इंद्रियों में लगा सकते हैं जैसे रचना इंद्री है तो रचना इंद्री की जो ऊपर की जो व्यवस्थाएं हैं जैसे मुख आदि है ये उपकरण हो जाएंगे बाह्य उपकरण हो जाएंगे क्योंकि रचना इंद्री की रक्षा करने वाले होते हैं ना इसलिए बाह्य उपकरण हो जाएंगे आभ्यंतर उपकरण में जो रचना इंद्री की जो बनावट है पूरी जिभ्या जो है वह क्या हो जाएगी आभ्यंतर उपकरण हो जाएगी और जो स्वर यंत्र है स्वर यंत्र की जो संरचना है जहाँ से आ, आ, हवा के माध्यम से जो शब्द निकलते हैं तो जो स्वर यंत्र है वो स्वर यंत्र हो जाएगी बाह्य निवृत्ति क्या हो जाएगी वो बाह्य निवृत्ति हो जाएगी और वहाँ पे जो आत्मा के जो प्रदेश हैं उन आत्मा के प्रदेशों का जो आकार है वो आकार क्या कहला जाएगा आभ्यंतर निवृत्ति हो जाएगी इस प्रकार से आ, अपने स्पर्शन में लगा लो अब स्पर्शन का स्पष्ट रूप से अपन को दिखाई देता नहीं है अपन को तो शरीर दिखाई देता है तो ये जो बाहर का जितना भी प्रक... है ये बाह्य उपकरण है जो हमको दिखता नहीं है पर ये है इसमें भी बाह्य उपकरण चलता है अंतरंग उपकरण चलता है बाह्य निवृत्ति चलती है अंतरंग निवृत्ति चलती है बिना निवृत्ति उपकरण के संरचना हो ही नहीं सकती है ठीक है ना तो अपन सीधा से यही लगा लें बात को कि पांचों इंद्रियों में सबसे पहले जहां भी इंद्री होगी वहां पहले आत्मा के प्रदेशों का उस रूप होना फिर उसके होने के बाद जो जो उस इंद्री का ज्ञान कराने में निमित्त बन रहे हैं ऐसे पौधलिक परमाणुओं का वहां पर संरचना का होना फिर इसके बाद दोनों का उपकार करने वाले उपकरण का होना तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने द्रव इंद्रिय के बारे में ये दो बातें समझी निवृत्ति और उपकरण द्रव इंद्रिय एक इंद्रिय में स्पर्शन रूप से होगी क्योंकि एक इंद्रिय जीव में मात्र स्पर्शन इंद्री पाई जाती है तो उसकी उसकी संरचना जो होगी वो सिर्फ एक इंद्रिय संबंधी होगी और दो इंद्रिय में स्पर्शन और रचना दो प्रकार की इंद्री पाई जाती है इसलिए वहां पर द्रव इंद्री, मतलब दो दो और तीन इंद्रिया पाई जाती हैं तो उनमें ये इंद्री की संरचना जो होगी वो तीन प्रकार से होगी स्पर्शन रचना और घ्राण तो और चक्षु चार इंद्री में एक इंद्री और बढ़ जाएगी चक्षु इंद्री बढ़ जाएगी स्पर्शन रचना घ्राण और चक्षु इनकी आभ्यंतर निवृत्ति बाह्य निवृत्ति और उपकरण में भी आभ्यंतर और बाह्य इस प्रकार से चार प्रकार से वहाँ पर उनकी रचनाएं होंगी और जो पांच इंद्रियों में उन पांच इंद्रियों में पांचों जो इंद्रियां हैं उनकी द्रव्य इंद्री की संरचना पांच इंद्रियों में पाई जाती हैं जैसे मनुष्य हैं और जानवर हैं देव हैं नारकी हैं ये पांच इंद्री जीव हैं तो इनकी जो संरचना है वो पूरे पांचों की द्रव्य इंद्री रूप से पाई जाती है तो इस प्रकार से हम सभी लोगों ने यहाँ पर द्रव इंद्रिय का स्वरूप पढ़ा अब आगे जो इसकी जो भाव इंद्रियाँ हैं क्योंकि द्रव इंद्रियाँ तो हैं लेकिन यदि भाव इंद्री ना हो तो द्रव इंद्री क्या काम करेगी यदि हमें ज्ञान की शक्ति प्रकट ना हो तो फिर हमारा काम नहीं चल सकता तो इस भाव इंद्रिय के बारे में अपन आगे क्लास पढ़ेंगे राजेंद्र कुमार जैन देहरादून आपकी शंका है ढाई द्वीप में कुल मनुष्यों की संख्या कितनी है ढाई द्वीप में कुल मनुष्यों की संख्या समूर्छन जो मनुष्य हैं उनकी असंख्यात है और जो गर्भज जो मनुष्य हैं उनकी उनतीस अंक प्रमाण संख्या संख्यात में है अब उनतीस अंक प्रमाण जो संख्या है उसके लिए आप जीवकांड आदि में देख सकते हैं पढ़ सकते हैं फिर भी हम उन्तीस अंक प्रमाण संख्या आपको बताते हैं कौन सी है जैसे सात कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी बयानवे लाख अट्ठाईस हजार एक सौ बासठ कोड़ा कोड़ी कोड़ी इक्यावन लाख बयालीस हज़ार छः सौ तिरालीस कोड़ा कोड़ी सैतालीस लाख उनसठ हजार तीन सौ चौवन कोड़ी और उनतीस लाख पचास हजार तीन सौ छत्तीस इतनी ये जो संख्या उनतीस अंक प्रमाण जो मैंने आपको काउंट करके बताया इतनी अंक प्रमाण जो है मनुष्यों की गर्भज मनुष्यों की ढाई द्वीप में संख्या होती है और मनुष्य ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं ढाई द्वीप से बाहर मनुष्य भी नहीं पाए जाते हैं इस प्रकार से समूर्छन की अपेक्षा असंख्यात और गर्भज मनुष्य जो हैं वो संख्यात २९ अंक प्रमाण २९ अंक मतलब क्या दो के ऊपर आप २९ की ९६ की घात लिख लीजिए दो के ऊपर ९६ मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू इसके कितने बार लिखिए ९६ सिक्स बार लिखिए और जितना प्रमाण आए उतना प्रमाण मनुष्य की गर्भज मनुष्य की संख्या होती है सुमन जैन राजेंद्र नगर बरेली यूपी आपका प्रश्न है ध्रव्य किसकी पर्याय है देखिए जो ध्रव्य है वो गुण हैं और गुण की पर्याय होती हैं गुण की अपनी और कोई दूसरा गुण उसके लिए कोई पर्याय नहीं होती है ध्रव्य में जो अपन बोलते हैं उत्पाद वय ध्रोव युक्तम सत तो उत्पाद वय जो वह पर्याय है ध्रव्य जो है वह गुण है और ऐसे गुण और पर्याय से युक्त सत वह द्रव्य है इसका अर्थ ऐसा लगाना उत्पाद वय ध्रोव युक्तम सत सत क्या है द्रव्य का लक्षण है तो वह जो लक्षण है तो किस प्रकार से है? उत्पाद वय मतलब पर्याय ध्रव मतलब गुण तो पर्याय और गुण से युक्त जो सत होता है वह द्रव होता है इसलिए जो ध्रुव है वो किसकी पर्याय है ऐसा नहीं लगाने का उत्पाद वय ध्रुव पर्याय रूप वर्तते हैं किसमें वर्तते हैं द्रव में वर्तते हैं ठीक है ना तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो भेद विभक्षा से इनको तीनों को पर्याय समझते हैं लेकिन यदि हम यथार्थ देखेंगे तो ध्रुव एक गुण है और गुण की क्या होती है पर्याय होती है इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ समझना जावाणी के ज्ञान से सुज लोक अलोक सो मस्तक धरो सदा देत हो दो हे जनवाणी भारती तोहि जपो दिन रे जो तेरा पावे सुख शोभा सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद